जिनकी वजह से आबादी बढ़ी है और हमें क्या करना होगा, मात्र संस्था और भाईचारे से काम चलने वाला नहीं है। कहां से हमारा धर्म शुरू हुआ, मैं एक छोटा सा गीत लिखता हूं आज, विशेष तौर पे ही लिखा गया। माँ का बच्चा जो आंचल तेरी और घट न जाए, मेरी माँ का बच्चा जो आंचल तेरी और घट न जाए, जागो रे हिंद बेटो कश्मीर बट न पाए। महाराज कश्मीर की भी जो समस्या हुई है वो वहां पर हम चार और हमारे 44 करने के कारण हुई है। अगर वहां से कश्मीरी हिंदुओं को नहीं भगाया होता तो वहां पर आज सांपों का फन ठेसने की व्यवस्था होती। हाँ बहुत अच्छे। हाँ तेरी माँ का बच्चा जो आंचल कहीं और घट न जाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए। क्या यथार्थ है, हम लोग संविधान में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वे देश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पले मेरे देश में, पलते हैं देश में और गीत गाते पाक के, वे खोटे सिक्के आगे मदन अब ढलना नहीं चाहिए। क्या बात है। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वे देश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पले मेरे देश में वह गीत गाए पाक के, वे खोटे सिक्के आगे मदन ढलना नहीं चाहिए। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात ने, गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात ने, कृत्य ऐसा देश को तो खलना नहीं चाहिए। अपने यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वे देश में गद्दार, कोई नहीं कहता गोधरा में पहले 59 हिंदुओं को जलाया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते वो देश में गद्दार अब पल्ला नहीं चाहिए। पले मेरे देश में और गीत गाएं पाक के, वे खोटे सिक्के आगे मदन अब ढलना नहीं चाहिए। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात ने, कृत वैसा देश को अब खलना नहीं चाहिए। अपने ही घर में शरणार्थी बनाए जो लोग, संविधान दोगला ये चलना नहीं चाहिए। साथियों देखिए, हम कवि हैं, बुंदेलखंड का कवि हूं, जाने 99% कविता लिखी गई है वेद अभ्यास मर्थ बाल्मीकि। कविता का धर्म क्या होना चाहिए, तेरी माँ का बच्चा जो आंचल कहीं और घट न जाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए, आए डकैत कुछ थे तेरे घर को लूटने। इस्लाम की पक्की परिभाषा, कबीलाई धर्म, ये धर्म नहीं मजहब है। आए डकैत कुछ थे तेरे घर को लूटने, बढ़ते ही नस्ल जिनकी लगा पेश टूटने, इन काफिरों के बढ़ते तेरी जात घट न जाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए। टुकड़े हमारे खाते उन्हें बाप मानते हैं, कभी सत्य ना बोले तो कभी नहीं वो भांड होता है। टुकड़े तुम्हारे खाते, टुकड़े हमारे खाते उन्हें बाप मानते हैं, रहने को घर दिया था कश्मीर मांगते। वाह वाह। टुकड़े हमारे खाते उन्हें बाप मानते हैं, रहने को घर दिया था कश्मीर मांगते हैं, इन दोगलों के बढ़ते तेरी पात घट न जाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए। मैं चौहान साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद इसलिए दे रहा हूं, हमारा सनातन धर्म पर ना कोई मार सका ना मार पाएगा, हम जहां थे उससे और विश्वगुरु बनने की आवत जा रहे हैं। एक हम ऐसा नेतृत्व मिला है, सर्वश्रेष्ठ यू ही नहीं मदन बनी पहचान, सर्वश्रेष्ठ यू ही नहीं मदन बनी पहचान, चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान। क्या बात है, क्या बात है। चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान, बेचा ना ईमान कमाने काले धन को, जीवन अर्पित सिद्ध नमो का जन गण मन को। क्या बात है। अब वहां पर ऐसा नेतृत्व, तो मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं पूरा देश का नौजवान और सनातन धर्म के बेटे, सिर्फ मैकाली की पद्धति और पढ़ना, अपने देश बताना भी हमारा धर्म होना चाहिए। टुकड़े मेरे ये खाते उन्हें बाप मानते हैं, रहने को घर दिया था कश्मीर मांगते हैं। सनातन धर्म की डेफिनेशन वासुदेव कुटुंबकम, ऐसी मिसाल है नहीं दुनिया में और दूसरी,
ऐसी मिसाल है नहीं दुनिया में और दूजी, मंदिर उन्होंने तोड़े हमने मजार पूजी। ऐसी मिसाल है नहीं दुनिया में और दूजी, ऐसी मिसाल। हम उस धर्म के हैं जहां सारे धर्म एक तरफ पल्ले पे खड़े कर रहे हैं। कोई हुआ ना राम सा उनके यहां सानी, कोई हुआ ना राम सा उनके यहां सानी, लौटा दे जीत लंका को ऐसा महादानी। उस सनातन धर्म को कौन मिटाएगा? जिंदाबाद। ऐसी मिसाल है नहीं दुनिया में और दूजी, मंदिर उन्होंने तोड़े हमने मजार पूजी। तेरी जन्म भूमि को कोई अब मजार रट न पाए, मेरी जन्म भूमि को कोई मजार रट न पाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए। फार ओठ लीजिए आज पूरा देश का बच्चा बच्चा ओठ रहे, जो सुदर्शन ने ये यज्ञ शुरू किया है। फाड़े मेरा तिरंगा हमें उनको फाड़ना है। कोई फाड़े मेरा तिरंगा हमें उनको फाड़ना है, भारत को दे जो गाली उसे जिंदा गाले। फाड़े मेरा तिरंगा, फाड़े मेरा तिरंगा। मैं इस पंक्ति पे एक याद आती है, अभी शाप बने। फाड़े मेरा तिरंगा हमें उनको फाड़ना है, भारत को दें जो गाली उन्हें जिंदा गाड़ना है। खाओ कसम गुरु ग्रंथ की, गीता कुरान की, खाएं कसम गुरु ग्रंथ की हम गीता कुरान की, भारत में फिर मिलाएंगे सीमा ईरान की। खाओ कसम गुरु ग्रंथ, ये होना है, ये होगा। अगर कभी कविता लिखता है तो शाश्वत आती है, बसरते वो कभी हो और सरस्वती से आशीष लिखकर कविता लिखे। खाओ कसम गुरु ग्रंथ की, गीता कुरान की, भारत में तुम मिलाओगे सीमा ईरान की। मेरी वंदे मातरम की मर्याद घट न पाए, तू जाग जा रे हिंदू कश्मीर बट न पाए, जागो रे हिंदू बेटो कश्मीर बट न पाए। मैं एक और छंद पढ़ना चाहता हूँ जो बिल्कुल आपको सबन तो कश्मीर नहीं हिंदुस्तान बटने की बात की जा रही है। नहीं बटेगा, इसलिए हम अब कश्मीर नहीं केवल पूरे हिंदुस्तान की बात करें। लेकिन उसके लिए मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं। दानवों से मानवों सा छोड़ व्यवहार, अब भूल जाइए भाईचारा और भाई भाई कहना जो किसी का नहीं हुआ। दानवों से मानवों सा छोड़ व्यवहार यार, सारे द्वार द्रोही अब रुद्ध कर दीजिए, सारे द्रोही द्वार अवरुद्ध कर दीजिए। और खर पतवार से जो बढ़ रहे मेरे यहां, खर पतवार से जो बढ़ रहे मेरे यहां, खाल खींच भुस कर शुद्ध कर दीजिए। और सीमाओं पे सिंहनाद करते मदन सिंह, सीमाओं पर हो रहा है 200 आतंकी ठोक दिए गए। ये मेरी कविताएं आज चौहान जी आपने चैनल बनाया, 700 सिद्ध हो रही हैं। दानवों से मानवों से छोड़ व्यवहार, अब सारे द्वार द्रोही को अवरुद्ध कर दीजिए। खर पतवार से जो बढ़ रहे मेरे यहां, खाल कीच भुस कर शुद्ध कर दीजिए। सीमाओं पे सिंहनाद करते मदन सिंह, थोड़ा उनको है और क्रुद्ध कर दीजिए। और ससुनार नहीं अब एक है लोहार सा, आर पार बाला युद्ध आर पार कर लीजिए। धन बल यश, धन क्या कवि की क्या परिकल्पना हो कि मात्र तालियां बजाकर सौरभ सुंदरी के लिए 10,000 का लिफाफा लेकर चले। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजेबा अकूत होने चाहिए। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजेबा अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाएं निज प्राण जो, मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजेबा अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो, मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। शेखर सुभाष शिवा भगत व राणा गौस,
शेखर सुभाष शिवा भगत व राणा गौस अब्दुल हमीद से सपूत होने चाहिए और खुलेआम करते हैं देश से गद्दारियां वे देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। तो आज का कार्यक्रम